हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज के वीडियो के। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहा है जी चिकन लॉलीपॉप, बोले तो लॉलीपॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये चिकन के लॉलीपॉप है जो कि मैं बाजार से रेडीमेड लेके आया, ठीक है जी। ये मैं पूरे 1 किलो लेके आया हूँ, ठीक है जी। अब करना क्या है नेक्स्ट ये है कि मैंने स्टीमर लगाया हुआ है जी, ठीक है जी। मैंने इस पे जो अपने ये चिकन लॉलीपॉप है ये मैंने स्टीम करने है पहले, ठीक है जी, समझे मेरी बात आप। तो जी पानी में हल्की फुल्की उबाल आ चुकी है, मैं इसकी थोड़ी ग्रीसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऑयल लगा रहा हूँ उसको। तो इसमें हम अपने लॉलीपॉप टिका के रखते हैं, ठीक है जी, एक एक करके। तो जी फर्स्ट फ्लोर भी हो गया, सेकेंड फ्लोर भी हो गया, तो मैं इस पर ढक्कन रख रहा हूँ। करीब 25 मिनट तक इसको आपने स्टीम देना है, ठीक है जी। तो दोस्तों पूरे 25-26 मिनट हो गए हैं, भाई चक लो, ओए ओए ओए, अब चेक करो। देखो जी भाई मांस छोड़ दिया जी, ठीक है नहीं, हड्डी ने, ठीक है नहीं, पक गया है। अब करते हैं नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, बाउल ले लिए, इसमें डालते हैं जी 1 कप मैदा, 1/2 कप कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून भाई चिकन मसाला रेडीमेड, 1.5 चम्मच भाई लाल मिर्ची का पाउडर, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, चिल्ली के फ्लेक 2 चम्मच, बाकी आपकी इच्छा जितना आपको तीखा खाना हो, ठीक है जी। 1 बड़े नींबू का रस, 1 टेबल स्पून भाई सोया का सास, नमक भाई स्वाद अनुसार। तो जी इन सबको मिला मिलू लो, थोड़ा पानी पूनी मिलाकर इसका हमको बैटर बनाने का है, ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ध्यान रहे चीज का। पानी धीरे धीरे मिलाना, अगर इकट्ठे डालोगे तो बैटर खराब हो सकता है, ठीक है ना, धीरे धीरे। तो दोस्तों भाई बैटर बन के तैयार है जी, ठीक है जी। अब करते हैं जी हम नेक्स्ट कार्रवाई। तो दोस्तों नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी, कढ़ाई हमने लगा दी है जी, इसमें हम डाल रहे हैं जी पर के भाई तेल, ठीक है जी, पर के हमको इसको डीप फ्राई करने का है। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो चुका है जी, अब करना क्या। अब आप इस बैटर में इस लॉलीपॉप को डालेंगे, ठीक है जी, चंगी तरह से, और इस लॉलीपॉप को उठाकर यहां पर थोड़ा सा घुमाएंगे और डालेंगे। ये एक एक करके डालने हैं, इकट्ठे नहीं डालने हैं, वरना ये चिपक जाएंगे आपस में, ठीक है जी। तो जी ऐसे ही डाल दीजिए, ठीक है, मैं हमको डालता हूँ एक ही करके। अब आप इसे भाई 5 मिनट तक भाई मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए, ठीक है। तो जी करीब 5 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया, देखो ये कंडीशन है। अब हाई फ्लेम करके सिर्फ इसे 2 मिनट फ्राई करो, सिर्फ 2 मिनट, बस जला मत देना। क्यों 2 मिनट? इसलिए ताकि ये क्रिस्परी क्रिस्परी हो जाए, ठीक है जी, बस 2 मिनट के लिए। तो जी हाई फ्लेम पर भी मैंने 2 मिनट इसे फ्राई कर लिया, देखो हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको अब हमने बाहर निकाल करना है, ठीक है जी। तो लो जी अपने सारे के सारे लॉलीपॉप भाई फ्राई हो गए, कहते जी नेक्स्ट कार्रवाई। तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से, कढ़ाई हमने फिर लगा दी है जी, लेकिन ट्रेडिशनल कढ़ाई, ठीक है जी। इसमें तेल डाला हुआ जी, कितना ही डाला होगा, 4-5 टेबल स्पून, ज्यादा नहीं है, ठीक है जी, जो कि गर्म हो गया हुआ है। इसमें डालते हैं जी हम चॉप करके जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च, डाल लो, तो इससे थोड़ा सा भून लो। तो जी करीब 30 सेकंड भूनने के बाद इसमें डालेंगे जी चॉप करके भाई प्याज, ठीक है जी, ये 2 प्याज है, ज्यादा नहीं है, इसको भी चॉप किया हुआ, चॉप क्या किया, चॉप। इसे आप करीब 1 मिनट तक भूनेंगे, ठीक है, 1 मिनट तक। तो जी करीब 1 मिनट मैंने भून लिया जी प्याजों को। अब इसमें डालेंगे और प्याज भाई, ये वाले प्याज, ठीक है जी, राउंड 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 राउंड, ठीक है जी भाई, इनको भी आप 1 मिनट तक बस पका लो इसी के साथ। ये एक, ये आधा प्याज है, ज्यादा नहीं है। मैं गैस का फ्लेम लो करने जा रहा हूँ भाई, इसमें डाल रहा हूँ जी 1 टेबल स्पून भाई सोया का सास भाई, पड़ जा, 1 ढक्कन भाई सिरका, बोले तो 1 टेबल स्पून भाई, 4 टेबल स्पून टोमेटो केचप, इसमें डालो जी 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, इसमें डालो जी थोड़ा सा नमक, बस ध्यान रहे नमक पहले ही मिलाया हुआ जी लॉलीपॉप में, मिलाओ थोड़ा सा। तो जी आप गैस का फ्लेम हाई करेंगे और इसे आप करीब 1 से 1.5 मिनट तक भाई हाई फ्लेम पे पकाएंगे, करछी चलाते चलाते, ठीक है जी, इन सॉसेस के साथ में। तो जी 1-1.5 मिनट हो गया जी इसके पकते हुए हाई फ्लेम पे। अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ी देर और लो कर रहा हूँ, और इस पर डाल रहा हूँ जी ये क्या, ये जी स्लरी, क्या ये स्लरी, कॉर्नफ्लोर और पानी मिलाकर मिला लो जी सारे का सारा, ठीक है जी। तो जी इससे थोड़ा सा मिला मिलू लो चंगी तरह से। तो जी अब करना क्या, करना कुछ नहीं है, मैं दोबारा गैस का फ्लेम अब लो कर रहा हूँ, और इसमें सारे के सारे ये लॉलीपॉप मिलाता हूँ। तो जी इन सबको मिला लो चंगी तरह से। तो जी मैंने मिला मिलू दिया प्रॉपरली, ठीक है जी। अब इसको हाई फ्लेम पे आप 2 मिनट तक भाई टॉस करते करते पका लीजिए, सिर्फ 2 मिनट तक, ज्यादा नहीं है। तो जी 2 मिनट हो गए, मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, और इस पे भाई थोड़ा सा तेल छिड़कता हूँ, क्या छिड़कता हूँ, तेल छिड़कता हूँ, ठीक है जी, और ये हरा प्याज, ठीक है जी। तो जी इसे लो फ्लेम पे ही थोड़ा सा मिला मुलू लो। तो लो जी बनके तैयार है, करते हैं जी टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गया जी अपना भाई चिकन लॉलीपॉप, बोले तो लॉलीपॉप भाई, देखो यार भाई ये है जी लॉलीपॉप,
हाँ ये लाली लाली पॉप, हाँ ये देख रहे हो, देख रहे हो कैसे मैंने सेट रखे हुए हैं। भाई आप सोचोगे कि ये क्या है, बताता हूँ इसके बारे में भी बताता हूँ विस्तार से। भाई साथ में हमने क्या लिया हुआ है, साथ में लिया जी ये शिजवान की चटनी, यह जी मायो चिटी मायो, यह जी टमाटो का काचप टमाटो कैचअप, भाई यह जी गार्लिक की चटनी गार्लिक चटनी, ठीक है जी घरेलू चटनी नो बनाई, ठीक है जी। अब मुद्दा ये है भाई टेस्ट में कैसा है, पहले हम एक लाली को इज्जत से अपनी प्लेट में लेके आते हैं, थोड़े से प्याज प्यूज भी लेके आते हैं। आ भैया भाई देखो पहले उसका हम कंडीशन दिखाएंगे आपको अंदर से, सब स्टोरी बताऊंगा कि स्टोरी क्या है इसकी। ये देख रहे हो मेरे रंग से चिपकी हुई है, एकदम चिपकी हुई, देखो कितना जूसी है, कितना जूसी है यार। हाँ भाई आओ अब बनता है टेस्ट कुछ बिना कुछ लगा लुगो के। हाँ अब आ मैरिनेशन पूरी तरह चिपकी हुई है, क्या फ्लेवर आ रहा है मैरिनेशन का यार, क्या मतलब कि स्वीटी स्वीटी खट्टा खट्टा। नींबू मिलाया हुआ है, विनेगर भी मिलाया हुआ है, तीखापन बड़ा कम है यार, जबकि मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक भी डाला हुआ था यार। आप थोड़ा और खाते ना यार, इसमें थोड़ा प्याज पूछ सकते हैं, प्याज पूछ प्याज पूछ, हाँ भाई प्याज पूछ या सेट तो इसके ऊपर। ओ यार प्याज रख के कितना टेस्ट आया यार, सच में यार बहुत टेस्ट आया, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया यार, सच में कह रहा हूँ। मतलब कि मैं पहली बाइट लेके ये कहता हूँ भाई ना जाबर है ना जाबरा है ना जबरानजा है, ये एक एवरेज लॉलीपॉप बना हुआ है। क्यों, क्योंकि जो लॉलीपॉप मैंने खाए हुए हैं भाई वो इससे तो कई लाखों गुना बट टेस्टी होते हैं, समझिए मेरी बात। बल्कि ये ठीक है घरेलू ठीक है, मेहमान आएगा खिला सकते हो इज्जत से। और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसे स्टीम क्यों दिया था, स्टीम देने का रीजन क्या था, बताता हूँ विस्तार से, बताता हूँ चटनियाँ लगा लगा के बताता हूँ। तो जी अब आप पूछोगे कि ये क्या है, ये फोकस में लाओ इज्जत से इसको। भाई ये है जी कबाब, ये मेरे पैकेट वाले कबाब पड़े हुए थे और मेरे पास मैरिनेशन बची हुई थी, मैं कहा लगाओ इसको भी ले आते हैं जी, क्या लाली के साथ बोले तो लाली पॉप के साथ में मिला मुलू के। भाई देखो ये इसकी कंडीशन है ने? अब मैं देखूँगा स्वाद कैसा है, स्वाद आ जा। बहुत फ्लेवरफुल है, बहुत लजीज है, बहुत टेस्टी है, मानो मेरी बात। ओए होए बोलो क्यों, क्योंकि जो ये रेडीमेड कबाब रहते हैं चिकन कबाब, इनके अंदर मैरिनेशन की होती है, अदरक लहसुन की और थोड़े थोड़े मसालों की, बड़े लाइट मसाले होते हैं, और जब ऊपर से ये जो टॉपअप लग गया किसका अपने उसका जो हमने बनाया था बैटर, हाँ क्या टेस्टी, और चिल्ली चाहिए जो हमें सॉसेस में पकाया से, बहुत टेस्ट है यार, बहुत टेस्ट है यार। भाई आप तो खाली खुली खाली आप चटनियाँ देखते हैं, क्या पता कोई जबरनजा या जबरा बना दे। भाई लाओ जी इसे भी इज्जत से, पहले हम ट्राई करते हैं जी शेजवान, जो मेरी मोस्ट फेवरेट चटनी है बट कभी परफॉर्म नहीं करती है। आ भैया सोसो शेजवान ने सोसो टेस्ट दिया लेकिन अच्छा टेस्ट दिया। समझे मेरी बात को, अब थोड़ा मैं और से आजमाता हूँ एक बारी, ओ मैं इसको उठा उठा के ना इसमें चिपकाता हूँ, क्या करें टेस्ट लेना बताना ना आपको टेस्ट कैसा आएगा। बोलो क्यों, मैंने वो बताया था कि इसका तीखापन थोड़ा कम हो गया हुआ है, शेजवान ने क्या किया तीखापन का तड़का लगा दिया इसके ऊपर लाली के ऊपर। भाई मायो अब देखते हैं मायो कैसी है, अच्छा भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना ऐसे, और यहाँ से लगा लगा के इसको खाना मायो के साथ। वंस मोर टट 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 टट
वो यार गजब मायो गजब है, गजब टेस्ट सच में। तो जी अब बारी आती है टमाटो केचप की, इसे लाओ इज्जत से इधर इस साइड पे। मुझे लगता है कि टमाटो केचप कुछ खास असर नहीं करेगा, क्यों ऑलरेडी केचप में डूबा हुआ यार ये। अबे जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी तो डूबा हुआ है तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुई यार। ध्यान दो केचप यूज़ नहीं करना भाई। ये जी गार्लिक चटनी, ये बड़ी तीखी है, ये बहुत ज़्यादा तीखी है। हाँ भैया आया थोड़ा और भाई साहब, ये कुछ कह रहा है, गार्लिक चटनी कुछ कह रही है। दमका भाई जाबरा जाबरा, यहाँ पर जाबरा क्लिक हुआ भाई। गार्लिक चटनी तीखी तीखी बहुत फ्लेवर दे रही है, बहुत ज़्यादा फ्लेवर दे रही है भाई, इसे ज़रूर यूज़ करना। मैं अब गार्लिक और मायो को मिक्स करने वाला हूँ आपस में। मैं अब गार्लिक उठाता हूँ इस पे, ओए और बैठ जा, बैठ जाओ इज्जत से बैठ जाओ, इस पे लगाता हूँ साथ में मायो, मायो को भी इस पे अटैच कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या स्वाद, मुझे पूरा विश्वास है कि ये धमाका फेरने वाला है। पानी आ रहा है। जाबरा 20x धमाका भाई, क्या टेस्ट है यार, जरूर ट्राई करना। मायो एंड गार्लिक की चटनी बहुत स्वाद है यार, बहुत ज़्यादा स्वाद है भाई। अब आप सोच रहे हो कि भाई मैंने इसे स्टीम क्यों दिया। स्टीम देने का रीज़न ये था कि जब हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि मैं तो अंडा यूज़ नहीं करता इसको इसकी पकड़ के लिए, हाँ तो इसे अंदर पकाने के लिए, ठीक है, और मैरिनेशन का टेस्ट प्रॉपर लेने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि इसे गलाना था अंदर से, हाँ ताकि ये अंदर कच्चा ना रहे, क्योंकि अगर हम फ्राई करते हैं तो कभी कभी चीज़ें अंदर कच्ची भी रह जाती हैं। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने इसे भाई स्टीम दिया, स्टीम किया बोल लो। तो अगर आप चाहो तो आप बॉयल भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी में डुबो के बॉयल भी कर सकते हो। तो भाई मुद्दा ये है कि मुझे इस पर ना प्याज रखना है, ये प्याज प्यूस, ये प्याज प्यूस, ये मायो मोयो भाई, ये जी सिजवान सिजवान, और ये गार्लिक सॉस तो रखूँगा नहीं, क्यों ऑलरेडी बहुत सॉस लैस है। तो इज्जत से ना तुम मेरे इस हाथ में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहीं भाग नहीं जाना भाई, मुझे ना देख के पानी आ रहा है यार। ओहो ओए धमाका ओए, ओ मुझे को रोको, धमाका धमाका फुल ऑफ फ्लेवर, लेकिन अकेली गार्लिक चटनी कुछ ज़्यादा फ्लेवर देती है यार, लेकिन इन्होंने भी बड़ा धमाका किया यार। तो दोस्तों आप ये ज़रूर ट्राई करना चिकन लॉलीपॉप, हाँ मुझे बताना आपको कैसा लगा मेरे तरीके से। तो दोस्तों फिर तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।